अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, स्वागत है आपको इस सच्चे व्लॉग्स के एक और शानदार व्लॉग में। तो अभी हम आ चुके हैं करपुरा धाम, टिकट भी ले लिए है, 30 रुपये का टिकट है। यहाँ का आने के बाद एक तरफ गार्डन है और एक तरफ एक टिकट काउंटर है जहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, जैसे कि जिप लाइन है, अमन सिंह शॉट, गुंगी ट्रम्पोलिन, ट्रम्पोलिन पार्क, हुमन गायरो, सबका अलग अलग रेट है और सब एक साथ भी एक है। अब इनमें से हम एक ट्राई करेंगे, वो है जिप लाइन। जिप लाइन का 390 रुपये टिकट है, चलो टिकट ले लेते हैं। तो जी हम जिप लाइन के लिए तैयार हो गए। कहीं पे लेके जा रहे हैं, जीप में बिठा के लेके जा रहे हैं। तो वो जो जीप लाइन जम करने वाले 600 मीटर का है शायद। तो हम पहुंच गए, वो जीप देख रहे हो, जीप में आए थे, ये पकड़वा दिया हमको। एक्साइटमेंट तो बहुत थी लेकिन डर भी बहुत लग रहा है, डर तो अब लग रहा है। कोई नहीं, डर के आगे तो जीते। तो देखो गया, अब पूछो मुझसे कैसे एक्सपीरियंस रहा। हर बार ऐसा ही होता है, हमें लगता है कि क्या होगा क्या होगा, हमें डर लगता है, लेकिन जब हम उस पर चढ़ जाते हैं, जब वो चीज़ कर जाते हैं, तो डर का पता ही नहीं चलता। इसलिए तो कहते हैं डर के आगे जीत है। दिल करे कि और ऊपर चढ़ू, ऐसा पहली बार हुआ 23 सालों में। देखो हमने टिकट काट लिया, फिर जीप पे हमको इस जगह पे लेके आए थे। इस जगह से हम जीप लाइन के जरिए यहाँ पे आए। मीटर है ये। सही लग रहा हो ना? तो करपुरा धाम घूमने के बाद अब बाहर निकल गए, अब जाएंगे कहीं और, देखते गूगल माता जी हमें कहाँ पे लेके जाते हैं। तो ये है मेरा गाड़ी,
मेरा सवारी जिसमें मैं चढ़ के जाता हूँ, हर जगह घूम रहा हूँ। तो अभी बज रहे दोपहर के 2, लगा है बहुत चोरों का भूख। सुना करते फिर जारी करेंगे हमारा आज का सफर। ये जो 2 गाड़ी देख रहे हो, इन दोनों गाड़ी के बीच में मेरा गाड़ी मैंने पार्क करके रखा है। ये है यहाँ का पार्किंग एरिया, तो ये है 2 नंबर पार्किंग। ऐसा लग रहा है जितना जोश है मेरे अंदर सब आज निकल जाएगा। अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी थक गया, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। जब मैं यहाँ से आ रहा था तो कुछ लोगों से पूछा कि भाई कितना दूर चलना होगा, तो सब कह रहा था कि 1 किलोमीटर होगा। तो सोचा अगर 1 किलोमीटर है, अगर इस तरीके का रास्ता हो तो क्या होगा। जो रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, कैमरे में तो इतना कुछ पता चल ही नहीं रहा है। आपको लग रहा होगा कि मैं नाटक या फिर मजाक कर रहा हूँ, फट रहा मेरा। यहाँ पे ना बहुत दुकान है और ऐसे बहुत बैठने के लिए और आराम करने के लिए बहुत सी सुविधाएं किए हैं, क्योंकि सिर्फ मेरा नहीं सबका फटता है। ये जो ऊपर जो पहाड़ देख रही है एकदम, एक आदमी कह रहा था कि उसको ऊपर जाना पड़ेगा, खुदा करे ऐसा ना हो। तो 20 मिनट चलने के बाद इतना थक गया और मुझसे नहीं हो रहा था, एनर्जी सब कम हो चुका है ना, तो सोचा थोड़ा एनर्जी बढ़ा लेते, थोड़ा आराम कर लेते फिर चलेंगे। चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ। यहाँ से जाना पड़ेगा। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है।
से चलते चलते यहाँ पे आके रुके हैं। बहुत ठंडा हवा आ रहा है यहाँ पे, वो पहाड़ों के बीच में से आसमान दिखाई दे रहा है। एकदम टॉप पर आ चुके हैं, एकदम ऊपर की तरफ आने के बाद इसके अंदर गए थे, इसके बाद ये देखने को मिलता है जहाँ बैठ कर सुकून मिलता है। आधा घंटा में यहीं पे बैठा था। चलो अब चलते, बहुत हुआ, इस सुकून ने मुझे कमजोर कर दिया। रक्कल के खूब पूरा घूम लिए, घूमने के बाद मेरा हालत बहुत बिगड़ चुका है। बिगड़ चुका है मतलब जब ऊपर जा रहा था तब चल नहीं पा रहा था, अब नीचे की तरफ जा रहा हूँ फिर भी चल नहीं पा रहा, इतना पैदल चल लिया अब पैर में जान नहीं रहा। जब भी जमीन पर पैर रख रहा है ऐसा लग रहा है पैर फिसल रहा है, बहुत टफ है यार, ऐसा लग रहा गलती कर दिया यहाँ पे आके।